लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक राजधानी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। लखनऊ भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। देश के किसी अन्य शहर के मुकाबले लखनऊ में सबसे ज्यादा सिया मुस्लिम रहते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक सर्वे के अनुसार लखनऊ भारत का दूसरा सबसे ज्यादा खुश रहने वाला शहर भी है। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ये एक ऐसा शहर भी है जहां पर चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। टुंडे कबाब, इदरिश की बिरयानी, शर्मा की चाय, बास्केट चाट, प्रकाश की कुल्फी और चौक चौराहे का मलाई मक्खन अपने लजीज स्वाद के लिए पूरे लखनऊ में प्रसिद्ध है। लगभग 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए लखनऊ शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 35 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का 11वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। लखनऊ जिला कुल 4 तहसीलों में बटा हुआ है। लखनऊ, मलियाबाद, मोहनलालगंज और बख्शी का तालाब। धार्मिक दृष्टिकोण से लखनऊ शहर में 70% हिंदू, 21% मुसलमान, 0.52% सिख अथवा 0.49% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। लखनऊ शहर की साक्षरता दर 82.5% है। इससे यह पता चलता है कि लखनऊ शहर के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। लखनऊ के कई ऐसे जुमले हैं जो आपने कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे। तशरीफ लाइए, पहले आप, आपकी मर्जी, फरमाइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और सब खैरियत तो है, खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे। अमा यार, अजीब आदमी हैं आप। कई बॉलीवुड फिल्मों ने लखनऊ शहर की नजाकत और संस्कृति को पूरी तरीके से कैद किया है, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, शादी में जरूर आना, दबंग 2, उमराव जान, दावत इश्क, गदर, बरेली की बर्फी, इशक जादे, बुलेट राजा, यंगिस्तान, जॉली एलएलबी 2, लखनऊ सेंट्रल, रेड आदि कई अन्य फिल्में लखनऊ में शूट की गई हैं। कानपुर के बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। लखनऊ शहर के अंदर इस स्कूल के लगभग 17 कैंपस मौजूद हैं, जिसमें 65,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी, KGMU मेडिकल कॉलेज, श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ के अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। लखनऊ शहर का घंटाघर मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में स्थित यह घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। इस घंटाघर का निर्माण नवाब नसरुद्दीन हैदर ने सन 1870 में करवाया था। कहते हैं कि इस घंटाघर की सुई आज तक एक बार भी नहीं रुकी है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि लखनऊ किसी जमाने में कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अवध नरेश श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को इस भूमि को भेंट करते हुए इसे नया नाम दिया, लक्ष्मणपुरा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार 12वीं सदी के राजा लाखन की पत्नी के नाम पर इसका नाम पड़ा लखनावती। 18वीं सदी में जब इसे अवध की राजधानी के रूप में नवाबों के द्वारा चुना गया, तब इसका पुनः नामांकन हुआ लखनऊ। आवागमन के दृष्टिकोण से लखनऊ शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, लखनऊ शहर में कुल 10 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐसबाग, लखनऊ सिटी, डालीगंज, मानक नगर, गोमती नगर, बादशाह नगर, महबुल्लापुर, ट्रांसपोर्ट नगर और आलम नगर रेलवे स्टेशन, जिसमें से चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 9 है। कानपुर सेंट्रल और प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद चारबाग उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। ये रेलवे स्टेशन लखनऊ मुरादाबाद लाइन, लखनऊ कानपुर लाइन और बनारस जौनपुर लाइन पर मौजूद है। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और वरुणा एक्सप्रेस जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां चारबाग रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, लखनऊ शहर में कुल 4 बस स्टैंड मौजूद हैं।
कैसरबाग, आलमबाग बस टर्मिनल, गोमती नगर और चारबाग बस स्टैंड। लखनऊ शहर के ये चारों बस अड्डे भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश के कई शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप लखनऊ शहर तक पहुंच सकते हैं। वायुमार्ग। लखनऊ शहर के अमौसी इलाके में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। लखनऊ का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वाराणसी, बेंगलुरु, मुंबई आदि भारत के कई अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। लखनऊ शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी लखनऊ शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना लखनऊ शहर का भ्रमण अधूरा है। जनेश्वर मिश्र पार्क। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। लगभग 168 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पार्क लंदन के हाइड पार्क के तर्ज पर विकसित किया गया है। 376 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये पार्क लखनऊ के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। बड़ा इमामबाड़ा। लखनऊ के चौक इलाके में स्थित बड़ा इमामबाड़ा नवाबी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण नवाब आसिफ उद्दौला ने सन 1784 में कराया था। इमामबाड़े के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हॉल भी मौजूद है, जिसकी लंबाई लगभग 50 मीटर है। इसके अलावा इमामबाड़े का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की भूल भुलैया है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा रास्ते मौजूद हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि नवाबों ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इमामबाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाना बनवाया था, जिस तक पहुंचने का रास्ता इस भूल भुलैया से होकर जाता है। चिड़ियाघर। लखनऊ के केसरबाग इलाके में स्थित चिड़ियाघर भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। लगभग 72 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस चिड़ियाघर की स्थापना सन 1921 में हुई थी। एक अनुमान के अनुसार इस चिड़ियाघर में हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रजातियों के जानवर देखने को मिल जाएंगे, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, भेड़िया, भालू, गेंडा, काला हिरण, एशियाई हाथी, लकड़बग्गा, तेंदुआ, सफ़ेद बाघ आदि अन्य जानवर शामिल हैं। अंबेडकर पार्क। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित अंबेडकर पार्क लखनऊ का सबसे खूबसूरत पार्क है। लगभग 107 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस पार्क को बनाने की कीमत 6000 करोड़ से ऊपर आई थी। राजस्थान के बलुआ पत्थर से बना ये पार्क रात के समय में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लखनऊ के इन सभी पर्यटक स्थलों के अलावा आप कई अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें रेजिडेंसी, रूमी दरवाज़ा, मरीन ड्राइव, छतर मंजिल, सहारागंज मॉल, छोटा इमामबाड़ा, टीले वाली मस्जिद, प्लासियो मॉल, दिलकुशा कोठी, पिक्चर गैलरी, चंद्रिका देवी मंदिर, आनंदी वाटर पार्क, सादत अली खान का मकबरा, गौतम बुद्ध पार्क यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।